कंसल्टेशन कॉल्स, यूट्यूब पे कमेंट, यू भी लगाएं कि सरफेस लाइट लगा दें, टेंशन ही टेंशन, सुंदर तो लग रही है पर लगाए कहां, तो सारी चीज में होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स और एरिया बताने वाला हूँ जहाँ पे कौन सी किस टाइप की लाइट लगेगी, और ये वीडियो के दो पार्ट्स बनेंगे। पार्ट वन जिसमें बेसिक लाइटिंग घर के लिए नेसेसरी है, और सेकंड डेकोर के हिसाब से कि घर को अगर सुंदर दिखाना है तो कौन सी लाइट लगने वाली है। तो आज की वीडियो में वो सारी लाइट्स मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि इसका लिंक इजीली आप बाय कर सको। ये ना हो कि आप इंटरनेट पर जाओ और फिर कन्फ्यूज़ हो जाए, यार बताई मनीष जी ने कौन सी लाइट थी लेकिन वो मिल नहीं रही है, कहाँ मिलेगी या कौन सी कंपनी के लिए, तो सारी चीज़ में होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे, और मैं हूँ आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहाँ होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घर के एंट्रेंस से। ठीक है, घर के एंट्रेंस में अभी हम सिर्फ बेसिक लाइटिंग की बात करेंगे जो नेसेसरी है कि जब आप घर में मार्केट में जाओ, घर अगर आप रेनोवेट कर रहे हो, नया बना रहे हो, तो जब लाइट्स खरीदने वाले हो तो कौन सी लाइट्स लेनी है। ठीक है, बेसिक लाइटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं फायर एरिया की। हमने घर का दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते ही कौन सी लाइट हमें ऊपर से जो सीलिंग में लगेगी वो दिखनी चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी आप 5 स्टार 7 स्टार या किसी होटल्स या रेस्टोरेंट्स में आप जा रहे हो या बार में आप जा रहे हो, तो हमेशा आपको ना एक लाइटिंग इतनी सूदिंग लगती है कि देखने में मजा आ जाता है और दूर से ही इतनी सुंदर लगने लग जाती है। तो वो जो लाइट्स होती हैं वो सारी सीओबी लाइट्स होती हैं। सीओबी लाइट्स मतलब फोटो देखो, ये लाइट का काम यही है। ये आपके मोबाइल को अगर उल्टा करके देखो, इस वक्त अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल में जो फ्लैश लाइट है वो भी एक सीओबी है, ना कि सरफेस लाइट। ठीक है, बेसिकली दो लाइट्स चलती हैं घर के अंदर, सीओबी और सरफेस लाइट। सीओबी देख लो, ठीक है, ये सरफेस हो गई। ठीक है, सीओबी का मेन फोकस है किसी भी चीज को और हाईलाइट करके दिखाना। अगर आपने शोरूम्स में देखा होगा, जैसे मैनिकीन्स होते हैं, पुतले जो होते हैं जिनपे कपड़े रहते हैं, उसके ऊपर ट्रैक लाइट रहता है, कपड़ों के शोरूम में ट्रैक लाइट ही डलेगी, स्पॉटलाइट बेसिकली डली रहती है। लेकिन अगर आपको वेल लिटअप चाहिए कि आंखों में, अब स्पॉटलाइट का घाटा क्या है, वो आंखों में चुभ सकती है सीधा, तो इसके लिए प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा सरफेस लाइट या एसएलडी जिसे हम बोलते हैं, ये देखो, इसका काम है कि भाई लिटअप करना, कि पूरे एरिया को लिटअप रहे, आंखों में ना चुभे। ठीक है, तो घर के लिए कॉम्बो में हमें घर को सुंदर भी दिखाना है लेकिन प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से। तो लग्जरी विदाउट कंफर्ट इट्स नॉट अ लग्जरी पार्ट। तो फायर में घुसे हमें यहाँ पे डालना है क्या, सिर्फ और सिर्फ सीओबी लाइट, कोई एसएलडी नहीं डालना है, कोई सरफेस लाइट नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि भाई ये एंट्रेंस पार्ट है। जैसे अगर गेस्ट या आप घर में आओ तो एक फील आ जाना चाहिए कि यार क्या सही जगह पे आए हैं और मस्त एकदम मजा आ जाए। तो फायर में हमेशा फॉल सीलिंग में या सीलिंग में जैसे आप डिजाइन करने वाले हो उसमें हमेशा सीओबी लाइट डालनी है। वोल्टेज वगैरह वो सब लिंक में रहेगा, वो वहां से आप डाल सकते हो। तो फायर सब मैं घुस के अंदर आता हूं, मुझे दिखाई देता है भैया ड्राइंग रूम। अब भाई ड्राइंग रूम में कौन सी लाइट डालें? देखो, ड्राइंग रूम में टोटल 4 लाइट्स का यूज होता है। एक हो गई आपकी सीओबी लाइट्स जो सीलिंग में लगती है, एक सरफेस लाइट जो फॉल सीलिंग में लगेगी, तीसरा ट्यूब लाइट, वो भी बताऊंगा ट्यूब लाइट कहां लगेगी सीलिंग में, एंड चौथा इज कोव लाइट। अब बात करते हैं चारों लाइटिंग। देखो, अब मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो डिटेल में बताया हुआ कि घर के अंदर लाइट की प्लेसमेंट कैसे करें जिससे कि ये वाला फील आ जाए। फोटो देखो, आ गया ना मजा, लग रही है ना बढ़िया। तो ये कैसे फील लेके आने, वो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। घर में सिर्फ सिंपल पेंट कर दोगे ना वाइट और लाइट्स की प्लेसमेंट जबरदस्त कर दी तो घर ऐसा लगेगा जबरदस्त फाड़ एकदम, तो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो अब आपको इन चारों लाइट को कैसे यूज करना है। अभी पहले सबसे पहले आप ये ड्राइंग देखो। अब इस ड्राइंग में आप देख रहे हो कि मैंने चारों तरफ प्लेसमेंट में नॉर्मल सरफेस लाइट डाली है जिससे कि रूम लिट अप हो जाए, कि जब हम डेली यूज है, डेली वहां पे बैठ रहे हैं, फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, अकेले बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये लाइट का होना जरूरी है जिससे कि लिट अप रहे, आंखों में ना चुभे, क्योंकि भैया सारे दिन तो हमें 5 स्टार 7 स्टार में नहीं गुजार सकते ना। अब सेकंड लाइट है सीओबी, कि भैया गेस्ट जब आएंगे तब घर भी तो धमाकेदार लगना चाहिए कि भाई मजा आ गया, तो सीओबी लाइट्स यहां पे आपको डालनी है। सीओबी लाइट्स फ्लोर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट ऐसे होनी चाहिए वो किसी ना किसी फर्नीचर या ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे सो दैट कि वो लिटअप हो। एग्जांपल के तौर पे फोटो देखो, लिटअप कर दिया। इसलिए शोरूम्स के अंदर भी यही लाइट डाली जाती है कि चीजें लिटअप हो, फ्लोर पे कभी लाइटिंग नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है ट्यूबलाइट की। यार मनीष आप तो कहते हैं ट्यूबलाइट भी लगेगी, वो कहां लगेगी? देखो, होता क्या है फॉल सीलिंग के अंदर जो आप कोव लाइट डलवाते हो, जो स्ट्रिप वाली होती है, वो स्ट्रिप लाइट कभी नहीं डालनी चाहिए। इससे दिक्कत क्या होती है कि फॉल सीलिंग में ना हमेशा ऐसे वेव्स दिखाई रहती है, एक सिमेट्री नहीं आती है, सीधी लाइन नहीं आती है। तो इसकी जो ट्रिक है, जो मैं फॉल सीलिंग में लाइट डलवाता था जब मैं कंस्ट्रक्शन जोन में था, मैं क्या करता था, मैं अंदर सारी ट्यूबलाइट डलवाता था। 4 फुट की लेंथ आती है। अब आप इसको चाहो तो व्हाइट, नेचुरल व्हाइट, वार्म व्हाइट में ले सकते हो। अब कौन सी लाइट लेनी है घर के हिसाब से, नेचुरल व्हाइट की वार्म व्हाइट, वो आपके लिए मैंने अगेन एक वीडियो बनाई है डिटेल में। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले यही वीडियो सबसे ज्यादा देखी गई थी। ठीक है, तो ये आप जाके वहां दे सकते हो कि बड़े बुजुर्ग के लिए कौन सी लाइट, बच्चों के लिए कौन सी लाइट, यूथ में है तो कौन सी लाइट, काम करना है तो कौन सी लाइट,
कॉजी फील चाहिए, रोमांटिक फील चाहिए, तो कौन सी लाइट, तो सारी चीज वहां लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आप जाते हो, लेकिन मैंने कलर वाइज ड्राइंग रूम के हिसाब से जो मुझे हिसाब से लाइट होनी चाहिए उसका कलर मैंने डाला हुआ है। और बेस्ट ऑप्शन होता है आप 3-in-1 ले सकते हो, स्विच ऑन ऑफ करो तो जो सा कलर चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो, वो मैंने लिंक में डाल दिया। तो ड्राइंग रूम में आपको फॉल सीलिंग में वो ट्यूबलाइट डालनी है, 4 फुट की लेंथ आती है, वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट जो चौथी लाइट आती है वो होती है हमारी COVE, कोव लाइट। अब कोव लाइट को स्लैश प्रोफाइल लाइट से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कोव लाइट आप या तो टी यूनिट के पीछे डाल सकते हो। प्रोफाइल लाइट दो टाइप की आती है, एक होती है जिसमें ग्रूव काट के इसको फंसाया जाता है, और एक अगर आपका घर बन चुका है ऑलरेडी, टी यूनिट यूनिट सब लग चुका है लेकिन आपको प्रोफाइल लाइट देने का मन है तो बनी बनाई प्रोफाइल लाइट है, उसमें कोई ग्रूव नहीं काटना पड़ता। फोटो देखो, ये सीधा वायरिंग किया, इंस्टॉल कर दिया, 2 स्क्रू पे इंस्टॉल हो जाती है, या आप टेप से भी इसको चिपका सकते हो, बैकसाइड 3M कंपनी की टेप से, वो भी मैंने डाल दिया लिंक, आप जाकर वो टेप भी कर ही सकते हो। तो ये प्रोफाइल लाइट आप टीवी यूनिट, अपने टी यूनिट के नीचे जो स्पेस होता है उसके नीचे, बेड के नीचे, साइड टेबल के नीचे, सोफा यूनिट के नीचे, कहीं भी डाल सकते हो कि जब घर के अंदर आए तो वो एरिया लिट अप हो जाए और वो सेक्शन सुंदर लगे। तो ये हो गया भाई ड्राइंग रूम का। अब बात करते हैं डाइनिंग में। डाइनिंग में हमेशा आपको कोशिश करो टास्क लाइटिंग की। पहले फोटो देखो, टास्क लाइटिंग का फायदा यह होता है कि भाई जब डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई लैंप लगता है और जो डाइनिंग टेबल के उसके टॉप को, जो जैसे करिए मेरे टेबल का टॉप है उसके टॉप को जब लाइट अप करता है तो बहुत सुंदर लगता है। अगर आपने 5-star रेस्टोरेंट में खाना जाके खाया होगा तो हमेशा, या कैफेज में आप गए हो तो सिर्फ टेबल के ऊपर ही हमेशा पेंडेंट लाइट होती है, जिसकी वजह से टेबल पे जो खाना रखा हुआ है बहुत सही लगता है। और मेरे को जब खाना सेलेक्ट करना होता है, मैं क्या करता हूं, जब जा रहा हूं तो दूसरी टेबल पे देखता हो जाता हूं क्या रखा है। अगर आपने भी देखा है नीचे लिख के भेजो, यस वी डिड इट, तो वो लिख के भेजोगे तो मैं भी समझ जाऊंगा कि मैं अकेला हूं या आप भी ये ट्रिक अपनाते हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फैंसी लाइट्स कहां पे यूज करनी है, जैसे अप डाउन लाइट आती है, स्क्वायर लाइट आती है, फैंसी लैंप और ये सब है, कहां से मिलेगी, कौन सा लिंक, कौन सा शॉप, कौन सा मार्केट, सब बता दूंगा। अब हम चलते हैं अपने भैया वेस्टिब्यूल, मतलब कि पैसेज एरिया में। फ्लैट्स में होता है ना कि एक पैसेज होता है जो रूम्स की तरफ जाता है, उस पैसेज में अगेन आपको या तो ड्रॉप लाइट डालनी है या COB लाइट डाल देनी है। वहां पे कभी भी आपको सरफेस नहीं डालनी, क्योंकि वो एरिया सिर्फ लिट अप जोन के लिए ही अच्छा लगता है, वहां पे सरफेस लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। कलर कौन सा करना है भाई, सारी लाइटों का अगर मैं अपना घर बनाऊंगा तो मैं हमेशा नेचुरल लाइट पे ही जाता हूं। ठीक है, लेकिन अगेन वीडियो आप देखोगे वो समझ जाओगे। और बेस्ट ऑप्शन होता है 3-in-1 लाइट का, तो लेकिन COB में 3-in-1 नहीं आती है तो वो दिक्कत हो जाती है, और जो आती है वो पता नहीं इतना चलती है, चलती मैंने कभी यूज नहीं करी। अब आते हैं भैया मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में अगेन वही ट्रिक से प्ले करना है कि जो ड्राइंग रूम में किया था, कि COB मतलब जब हमें फील चाहिए रोमांटिक, या दोस्त आया घर पे दिखाने के लिए, देख भाई इंटीरियर कोच की वीडियो देख के बेडरूम डिजाइन किया है देख। तो गाइस, इस दिवाली पे मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आ रहा हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो देख के अपने घर का कोई डिज़ाइन किया है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कुछ भी हो, आप वो हमें इस नंबर पे फॉरवर्ड करो और हम देखेंगे, अगर वो डिज़ाइन हमें अच्छा लगता है तो हम आपको एक बहुत तगड़ा इनाम देंगे। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, मे बी डेकोर आइटम आपको दें, या कैश रिवॉर्ड हो सकता है, या कुछ भी, अभी मैंने वो डिसाइड नहीं किया, लेकिन जो होगा वो बहुत सही अवार्ड होगा। तो आप अपने खुद के इंटीरियर डेकोरेटर बन जाओगे, समझ रहे हो? तो आप गेट खोल के देखोगे, आपका फ्रेंड देखेगा और भाई वाह वाली फीलिंग आ जाएगी। तो वो फीलिंग इन्हीं COB लाइट से आती है, लेकिन अगेन प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। वीडियो देख लो, नहीं समझ आया तो हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, हम आपकी फॉल सीलिंग के डिजाइन के हिसाब से लाइट की प्लेसमेंट करके दे देंगे। ठीक है, तो बेडरूम का तो ये हो गया। अब बात आती है किचन की। देखो, किचन में हमेशा स्पॉटलाइट को कम यूज करो। जो काउंटर है आपके ओवरहेड काउंटर, उसके नीचे प्रोफाइल लाइट डाल दो, और ऊपर किचन में हमेशा लिट अप रखना, स्पॉटलाइट मत डालना। क्योंकि होता क्या है ना, किचन में थोड़े से रिस्की काम भी होते हैं, ऑयल का काम, डीप फ्राई, तो अगर वहां COB डाल दोगे तो क्या होगा दिक्कत, कि लाइट जो आपको खाने बनाने में दिक्कत आएगी, आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, बहुत चीजें दिक्कत हो जाती है। तो वहां हमेशा लिट अप जोन रखो किचन को, और जो काउंटर है उसके नीचे आप लाइट डाल सकते हो, और एक और लाइट एड ऑन कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं रोप लाइट। पहले देख लो, ये आपके जो नीचे वाले काउंटर है बिल्कुल फ्लोर से जो टच है उसके नीचे डाल सकते हो, या अब जो नेक्स्ट प्लेस बताऊंगा वहां पे। तो अब आते हैं बालकनी पे। बालकनी में आपको हमेशा COB लेनी है येलो कलर में, और अगर सरफेस डाल रहे हो तो वो भी येलो या वार्म में, नेचुरल या व्हाइट में नहीं लेनी है। क्योंकि जब किसी बिल्डिंग को बाहर से देखते हैं और येलो कलर दिखता है ना, वो फील होटल्स की देता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट से होटल जब हम देखते हैं तो हमारा दिल वैसे ही खुश हो जाता है। तो ये लाइट आपको डालना है, ये सिलेंड्रिकल लाइट और भी सुंदर दिखती है क्योंकि इसका ग्लेयर बड़ा सही निकल के आता है। तो ये भी खरीद सकते हो, लिंक मैंने इसका भी डाल दिया। और रोप लाइट को जो आपकी रेलिंग है उसके नीचे जो बॉटम है, आप बालकनी को उससे कवर अप कर सकते हो। अगेन बालकनी के लिए भी ऊपर भी मैंने वीडियो डाली है, क्योंकि वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि हमने एक बालकनी को ना लाइटों से ऐसे डेकोरेट कर दिया था। आपको पता है सिर्फ बालकनी डिजाइन के हमने कम से कम 200 डिजाइन कर दिए थे सिर्फ उस घर को देख के और उस वीडियो को देख के। तो भाई बड़ा जबरदस्त वीडियो था, वो भी वो आप देख सकते हो। तो लाइटिंग्स का मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घर के बाहर, अंदर, और कौन सी वॉल को घर के बाहर में करना चाहिए, कि घर के बाहर लाइट्स प्लेसमेंट के साथ आपका घर जो है पूरी कॉलोनी में, एरिया में, सेक्टर में,
या आपके फ्लैट्स अपार्टमेंट में वो एरिया सबसे यूनिक दिखाई देगा। अब होता है ना कि आपको अगर आप बिल्डिंग अपार्टमेंट रहते हो तो बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन लाइट्स तो लगा सकते हो। लाइट्स की प्लेसमेंट ऐसी है कि आपका अपार्टमेंट सारी बिल्डिंगों में सबसे अलग दिखाई देगा। तो वो जल्दी मैं आपको लिंक्स जो शेयर कर दूंगा और वीडियोस पे आने वाली है। तो गाइज और मटेरियल्स को लेकर मैं इंस्टाग्राम पर रील डाल रहा हूँ कि कौन सा मटेरियल आपके लिए घर में बेस्ट होता है, वो आप चाहकर वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ये है और भाई मनीष शहरावत व्लॉग चैनल आ गया, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी किचन की बाथरूम की इनकी साइंटिफिक्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी, आप चाहो तो देख सकते हो। टिल देन गुड बाय।